हम एक बात का ऐलान करते हैं कि हम जामा मस्जिद में एक दिन का मौन सत्याग्रह करेंगे मुफ्ती साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहां एक तरफ तमाम मुसलमान मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रो रहे हैं, दूसरी तरफ ये संत महाराज भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए भावुक हो गए और कहा कि एक दिन का मौन व्रत रखेंगे जामा मस्जिद पर जाकर, और इन्होंने गोदी मीडिया और सबके छक्के छुड़ा दिए हैं। आप इस वीडियो के अंदर देख क्या कहा संत महाराज ने। बड़ा कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, हमारी आत्मा फट गई। हम संतों को तो बोलने से मना ही था, मौलानाओं भी तकरीर नहीं कर सकते। दो शब्द खुदा के बारे में बयान होता है, कुरान बताया जाता है, हदीस बताई जाती है, इतना मुसलमानों से दिक्कत हो गई इस देश को। वही मुसलमान जो इस देश के लिए मिसाइल बना के गए, वही मुसलमान इस देश की जो लाल किला हो गया, जितनी भी तमाम चीज़ें हैं आप देख रहे हैं, आज मुसलमान की मस्जिदें तोड़ दी जाती है, उनके सन जो उनके बयान देने वाले हमारे बताइए मुफ्ती अज़हरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, हमें बहुत दुख है। और जब हम लोग के आंसू गिरते हैं ना तो प्रलय आता है। बहुत गलत हुआ, ये इंसाफ नहीं है, एक मुसलमान होने का सजा दी जा रही किसी को, हम निर्दास नहीं करने वाले। हम देश की हुकूमत से अनुरोध करते हैं, अपने हिंदू भाइयों अपने संतों से अनुरोध करते हैं कि अन्याय के खिलाफ बोलिए। आज अज़हरी का नंबर आया है, कल किसी की और कभी नंबर आएगा, बहुत तकलीफ की बात है, बहुत तकलीफ। उन्होंने क्या कहा कि आप जाओ, हमें इस देश के संविधान पे भरोसा है, हमें उस संविधान को भी रखना है, शांति के बिल्कुल हमें उस संविधान को भी रखना है। लेकिन आज जो इस देश में हो रहा है क्या उचित था? धर्म संसद लगा के खुलेआम मुसलमानों को काटना सही था? बिदुड़ी जैसे बेशर्मों को संसद में बोलना सही था? आप जवाब दो। मूल्य काटे जाएंगे सही था? कपड़े पहनाए जाएंगे सही था? खुलेआम तेरी माँ तेरी बहन गई टीला देता हुआ बंगाल में तेलंगाना में सही था? जवाब दो हमको आप। अगर वो सही था तो वो कैसे गलत हुए? बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख है, बहुत सिक्योरिटी लगाई गई भाई उनके लिए, क्या आतंकवादी गतिविधियाँ पाई गई उनके लिए, उनकी जान को खतरा है, उनकी जान को भी खतरा है, जब भी हो जाए तो उनके वकील उनके साथ रहे। आज कुत्तों का दौर है, लीबिया बर्बाद नहीं हुआ है, इराक बर्बाद नहीं हुआ है, ईरान पे हमला नहीं हुआ है, बुरा क्यों लग रहा है? उन्होंने कुत्तों का दौर बोला है, अब शायद कुत्तों का दौर चल रहा है, सभी कुत्तों को बुरा लग रहा है, जो आप तो ये भी होना चाहिए। आप समझिए, एक काबिल आदमी जो मिस्र से पढ़ के आया, अपने बच्चों को वो कह रहा है कि आप डरो मत, आप डरो मत, आप अल्लाह पर भरोसा रखो, अपने नबी के किए कामों को आगे बढ़ाओ। युवाओं को कह रहे हैं कि तुम, सही बात है, कोई भी यहाँ जिंदा रहने आया है, सब तो मरना ही है, चाहे वो अच्छे काम करके मरे चाहे वो बुरे काम करके मरे। मौलाना साहब को जब तक, और मैं तो अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, मैं तो अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, मैं बोलता हूँ अल्लाह राम एक है, तो कहीं ना कहीं आज जो इस देश में हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरह से उनको ले जाया जा रहा है, ये बात सच है कि आज मुसलमान के मौलाना और जितने भी आलिम है जितने भी लोग हैं वो वकील करे, वकील के बारे में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हम उनके साथ जाएंगे। ये पंडित बाल योगी महाराज उनके साथ जाने को तैयार है, हम जमा देने को तैयार है, हम लड़ेंगे, सड़कों पर तक लड़ेंगे, सड़क तक जाएंगे, धरना करेंगे, मर्दन करेंगे, लेकिन जेल नहीं जाने देंगे मुफ्ती साहब को, चाहे कितना भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे हमें अपनी किडनी की बेचनी क्यों ना पड़ जाए। बड़ी बात कह रहे हैं आप, हम कह रहे हैं चाहे हमें अपने शरीर का एक अंग बेचना पड़ जाए, हम उनको जेल नहीं जाने देंगे। पंडित बाल योगी, अब मेरी दुआएं कबूल होती है, दो से तीन दिन छूट रहे हैं, लिख लो छूट जाएंगे वो। अल्लाह ताला से आप दुआ करेंगे, इबादत करेंगे? बिल्कुल इबादत करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, जहाँ मस्जिद जाके ऐलान भी करेंगे, जहाँ मस्जिद पहुंचेंगे मुसलमानों को कहेंगे आप डरिए मत, आप सिर्फ इंसाफ की तरह, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से आप प्रोटेस्ट करेंगे। सारे मौलानाओं को जितने भी हैं वो अपने वकील पे वकील खड़ा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना साहब आज मौलाना साहब पे, कल कोई और पे हमला होगा, कोई और गिरफ्तार होगा, कोई और गिरफ्तार होगा, तो आप हमारी धार्मिक चीजों करने की आजादी को रोका जा रहा है। उनके पूरे बयान में कहीं भी ऐसा नहीं है, और जब भी इस तरह कोई मामला होता है तो उससे पहले नोटिस आती है। क्या नोटिस आई? क्या धर्मो कठमुल्ले और उग्रवादी, ये क्या भड़काने वाला बयान नहीं था? नबी नबी के साथ में गुस्ताखी भड़काने वाला बयान नहीं था? माँ बहनों गाली देने वाली टीला भड़काऊ बयान नहीं था? महात्मा गांधी उपसरे यहाँ पुतला बना के गोली मारने साध्वी जी का बयान भड़क नहीं था? घर में चाकू रखना भड़काऊ बयान नहीं था? जवाब दे सर त्रिवेदी, दलालो मारो जूता बेशर्मों को, मारो जूता बेशर्मों को, दलालों को। संत और सूफी की कोई जाति नहीं होती, वो हमारे ही जातियों में आ जाते हैं। संत और सूफी कोई पंडित कोई नहीं, वो सिर्फ इंसाफ परस्त बातें करने वाला होता है। हमें बड़ा दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ कि हमारे साथ के जानकार अल्लाह को मानने वाले नबी की बात पहुंचाने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दर्द होता है, दुख होता है, बयान नहीं किया सकता इन सब चीज़ों को। तुरंत उनके वकील को कोर्ट जाकर उनकी जमानत करानी चाहिए, या तो उनको कोर्ट में पेश करना चाहिए। कोई रिमांड वमांड करने को भी धारा लगी थी, मुसलमान बच्चों पर भी धारा लगती है, ये जुल्म है, हम मरम्मत करते हैं, हम बगावत करते हैं, हम इस जुल्म को नहीं मानना चाहते। अकेले जाएंगे मुफ्ती साहब से मिलने? कई पंडित लोगों ने बयान दे चुके हैं, और पंडित हमारे इकट्ठा हो रहे हैं, और हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करेंगे मुफ्ती साहब के लिए बोला जाए, अपने वकील खड़ी करें, हर पार्टियों से अनुरोध है, हम जामा मस्जिद पहुंचेंगे, अब मुफ्ती साहब के लिए वही धरना बैठेंगे। एक दिन का धरना जामा मस्जिद से होना चाहिए मुफ्ती साहब के लिए, मौन धरना, मौन धरना एक हम करना चाहते हैं, जामा मस्जिद के बाहर ऐलान करना चाहते हैं सरकार से कि हम चुप रहकर भी आपकी बगावत कर सकते हैं। आप अल्लाह और नबी को मानते हैं? बहुत मानते हैं,
जितना हम राम को मानते हैं उतना हम नबी को मानते हैं। आज अल्लाह के बंदों पर जो कहना नाजिल हो रहा है मुसलमानों को सोचना चाहिए कैसा दौर आ गया उनके लिए। यही बात तो वो बोल रहे थे। और मुसलमान ये चीज़ कुरान से दूर हो रहा है, अल्लाह से दूर हो रहा है, अपने मज़हब से दूर हो रहा है और कहीं दुनिया दुनियावी चीज़ों में खो गया है, इसलिए वो परेशान है। वो अल्लाह को छोड़ के सबको अपना रहनुमा बना, मतलब रहते ना रहनुमा बना लेना, वो इंसानों को रहनुमा बनाने लग गया, खुदा को भूल गया, इसलिए सबको ये जुर्म हो रहा है। गलत बातें हैं कि आप किसी के बिना आज तक उन्होंने कोई आतंकवादी मसले में साथ नहीं दिया, कोई उनका ऐसा बयान नहीं है। वो हिंदू धर्म को जो अभी मैंने आपके यहाँ पे एक वीडियो सुनाई जिसमें कैसे शंकराचार्य को ट्रोल कर रहा था वक्त, जब शंकराचार्य की इज्जत नहीं कर सकते तो अन्य धर्म की संगत क्या करेंगे? इनको अपने ही धर्म के बारे में नहीं हो, वो दूसरे धर्म को ऐसे ही बोलेंगे ना। इनको पैसा मिला है काम करने का, जान लीजिएगा, ये इनको पैसा मिला है उनको बर्बाद करने का, बदनाम करने का, लेकिन सरकार को भी नहीं मालूम था कि इतनी जनता उनके साथ है। हम जैसे संत उनके साथ है, उन्होंने अच्छा किया एक कदम करके, कम से उनको मालूम चले कि तादाद कितनी ज़्यादा है। आप पूरे जगह पर गोली लगवा दे, हम मर जाएंगे, लेकिन इस गलत काम अपने लोग साबित नहीं करने देंगे। हम ऐलान करते हैं, हम एक बात का ऐलान करते हैं कि हम जामा मस्जिद में एक दिन का मौन सत्याग्रह करेंगे। आप मिल जाएंगे मुफ्ती साहब? प्लान पूरी है, हमारे वकील वहाँ, वकीलों से ही बात चल रही है, उनके यहाँ से स्टेशन को पता चल रहा है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि अगर मैं उनके बात का समर्थन करता हूँ, मुझे भी जेल में डालो, दो जेल में सर, और फिर भिदूड़ी जाएगा, रिसंगानंद जाएगा, सबके डिस्पेस दिखाई जाएगी कोर्ट में। अगर हम जेल जाएंगे तो ये सभी जेल जाएंगे। देखो एक चीज़ बता दे तुमको, प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा, राम मंदिर बड़ा इतना बड़ा मुद्दा था कि हमने उसको फ्लॉप कर दिया, आधी मंदिर बनी है, बाबरी मस्जिद बनी नहीं है, ज्ञान व्यापी पे आ गए, वही फ्लॉप हो रहा है धीरे धीरे, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी हाईकोर्ट जाने की बात चल रही, अब अजय साहब पे आ गए, अजय साहब पे आ गए, अब ये कोई और के ऊपर आ जाएंगे, तो इनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन हम इसका विरोध करते हैं, हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन अजय साहब को जेल नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। कितने संतों का समर्थन है, कितने? अभी आप इसको छोड़ दीजिए, अभी इंटरव्यू देते जाइए, बस आप दो दिन में इतनी आवाज जाएगी ना। सलाम है ऐसे संत महाराज को कि जो कि हक के लिए आवाज उठा रहे हैं और हजरत के लिए भावुक भी हो गए हैं, देखा आपने हजरत इस वीडियो के अंदर। सलाम है ऐसे नौजवानों को और सलाम है ऐसे लोगों को जो कि हजरत के साथ में खड़े हैं, और अल्लाह से दुआ है अल्लाह उन तमामी को सलामत रखे और हजरत को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। लेकिन हमारे ही कुछ मुसलमान जो है, जो मुसलमान बाबा है कुछ खबीस, वो हजरत को गिरफ्तार करवाने के लिए सोच रहे हैं, गिरफ्तार करवाने के लिए भाषण दे रहे हैं उल्टे सीधे, क्योंकि हजरत ने उनकी दुकानें तो बंद करवा दी। वो लोग डरते हैं इस बात से कि हजरत अगर छुट गए तो दोबारा उनकी दुकानें बंद कर देंगे। आप हजरत से इल्तिजा है कि आप हजरत के लिए दुआ करते रहें खुसूसन तौर पर, और इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।